हम लोग दोबारा आज बलकसर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। अच्छा, अभी हम लोग दोबारा आज बलकसर आए हैं। अम्मी लोग आगे गए, उन्होंने अड्डे से पहले कुछ चीज़ देनी थी, तो हमने कहा चले हम यहाँ से थोड़ा सा आगे पैदल जाते हैं, खाला लोगों की तरफ हमने जाना है। ये बलकसर की सर है, जी ये बलकसर की सर है, और यहाँ पे पहले पानी होता था, अब यहाँ पे पानी नहीं, मतलब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अभी बस हम जा रहे हैं अपनी खाला लोगों की तरफ, वहाँ जा कर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तैयार कर चुके हैं, अभी हम और कट करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाला के घर से हमारा इरादा ये था कि हम वापसी पे खाना खाएंगे, लेकिन खाला में यूँ नहीं आने दे रही, तो हम खाना खा के यहाँ से जाएंगे। और पीछे अजान हो रही है, जी हम लोग खाला के घर से निकल आए हैं। क्या है? कुछ नहीं, हम लोग खाला के घर से निकल आए हैं और रास्ता पता है, मेरे ख्याल में सीधे ही जाना है। हम लोगों ने खाना बहुत खा लिया था, जिसकी वजह से अभी हम थोड़ा बहुत आगे पैदल जा रहे हैं, सर तक ही हमारा प्लान था। और हम लोगों ने खाना जो खाया था वो भी हमने दिखाया था। हम जब भी जाते हैं हम खाला को ज़रूर फरमाइश करते हैं कि खाला के हाथ की तंदूर की रोटी और जो सालन है वो शोरबे वाला मटन बहुत मज़े का बनाती हैं, देगी जैसे होता है। और बस अभी हम लोग सर तक जाते हैं और फिर देखते हैं, चाय पीनी है, जिन्होंने आइसक्रीम खानी हो खाएंगे, चमन पे शायद। और अपनी भांजी से मैंने आज आपको मिलवाया ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ हुई हुई थी खेलने में, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं रही। अभी आगे जाके मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ, इनकेस अगर वो नहीं सोई भी तो। हमारा चाय पीने का जो प्लान था वो चमन का था, पर जो हमारी भांजी है ना उस उनके लिए हम लोग गए नहीं हैं, क्योंकि चमन पे नहीं नहीं तो बस अखबार नहीं, उसको ये होता है कि मतलब ऐसे बहुत वो दरख्तों के नीचे खेले ना तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर कहीं चाय पीते हैं। ये बुक तो नहीं है, क्यों इतनी लाइट हुई हुई है पता नहीं, बस हम चाय पीते हैं सिंपली और फिर हम निकलते हैं यहाँ से, आइसक्रीम जिसने जो खाने हैं। अच्छा जी, हम चमन पे पहुँच गए हैं, ये इन्होंने न्यू लाइट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, खैर बहुत ओए सॉरी शहरयार पे हम पहुँच गए हैं। अम्मी आपने आए तो की नहीं आज? आए कैसे हैं? अम्मी हमारी आज बिज़ी थी, क्योंकि ये अपने मेके जाएँ तो बिल्कुल ही बिज़ी हो जाती हैं। और मैं आपको अपनी भांजी दिखाती हूँ अभी, अल्लाह के हुक्म से अभी ये जागी हुई हैं, इनकी बैंडेज भी हुई है, ये ज़ख्मी हुई हैं, थोड़ी सी गिरती जाए तो ये बैंडेज करा लेती हैं। अच्छा, इन्होंने मुंह की हालत बहुत ख़राब की हुई है। राजे इधर देखो, इसने क्या किया, आइसक्रीम लगाई है, चॉकलेट लगाई। बस अभी हमारी चाय आ रही है, हमने ऑर्डर दे दिए चाय को। शरिया
बाहर की जो चाय है वो हमारी प्रेफरेंस बहुत कम होती है, क्योंकि मिक्स चाय हम हमेशा प्रेफर करते हैं जो सेपरेट होती है ना। सेपरेट तो खैर ये सॉर्ट ऑफ नहीं है, लेकिन ये कि जिसमें आपने चीनी वगैरह डालनी होती है ना, वो मतलब ऐसे बस जायका सी कुछ बनती है। मैं चीनी ज़्यादा वैसे हम लोग नॉर्मल पीते हैं। एक एक खैर मैं तो तीन डालनी है, तुमने कितनी डाली? तीन एक मंदाली थोड़ी और डालूंगी। ये ले चीनी दो, तो मैं भी एक डालूंगी। आज पता नहीं चाय कैसी है, लेकिन ये है कि प्रेफरेबल पता नहीं हमें जो चाय होती है ना प्रेफरेबल, वो ढाबों वगैरह की सबसे बेहतरीन है। चकवाल के चाय तो सबसे बेहतरीन हमारे अपने घर। हाँ हमारे घर की चाय अच्छी है। अम्मी वैसे चकवाल में बागवान की पहले बहुत अच्छी थी, अब नॉर्मल है। अब ये है कि तुक्का मारी है, कई जगहों पे बहुत अच्छी मिल जाती है, कई जगहों पर नॉर्मल है। ऐसे कंसिस्टेंट चाय हमें कहीं से भी परफेक्ट नहीं मिलती। इन्होंने चमन की भी अच्छी हुई है ना, तुमने चमन की ट्राई की है ना? कितनी दफ़ा लगातार पी है? दो तीन दफ़ा। अच्छा नीला होटल की भी। कई जगहों की जो कंसिस्टेंट अच्छी चाय होती है वो मतलब ऐसे कमो बेश हमें मिलती है। अलबोस्तान होटल है जो नीला होटल की मैं आपको बता रही हूँ ना बात, अल्लाह मेरी चाय ठंडी होगी, चीनी पे गली नहीं रही, चीनी भी वाह वाह दान है। ओए मेरी चीनी चेक करो ना, ये आखिरी घूट हो सी नहीं वो प्यार मोहब्बत अल्लाह, अभी तक मेरी चीनी पिघली नहीं है। चाय कैसी है? मैं सही है, मतलब जैसे इस तरह की होती हैं जो लोग ऐसे सेपरेट पीते हैं उस लिहाज से तो बहुत अच्छी है, जो सेपरेट मतलब जो होती है उससे तो अच्छी है, लेकिन ये कि ओवरऑल हमें मिक्स चाय बहुत अच्छी लगती है और प्रॉपर देसी ढाबों की सबसे बेहतरीन होती है, प्यालों वगैरह में जो होती है ना। अच्छा जी हमें घर आते आते तकरीबन 12 बज चुके हैं और ऐसे चकवाल मंडी वाला एरिया ही है और ये तकरीबन सारा बंद हो चुका है और बस शहरयार की चाय ठीक थी, तकरीबन 50 रुपये का कप यहाँ पर दे रहे हैं और ये था कि अच्छा रहा है। वहाँ पे अभी जो उन्होंने नई लाइटिंग इंट्रोड्यूस कराई उससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे होटल की लुक अच्छी आई है। और बस आज का ब्लॉग हम अपना ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। हमें सारे अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय सारे थके त्रुटे हैं।